तो आपका पेपर है सैटरडे को, आज है वेंसडे, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन है इकोनॉमिक्स में आपके पास। और अब हम इन क्लासेस में क्या करेंगे, मेनली तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे से डाउट्स पूछो, आप पेपर सॉल्व कीजिए, आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए एक बार हम थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आपको एक अपना प्लान बनाना चाहिए, अगर आपने प्लान नहीं बनाया तो सबसे पहले अपना एक प्लान बनाओ। प्लान में ना आपको रिवाइज कैसे करना आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, मतलब रैंडमली रिवाइज मत करना, स्पेशली कोशिश करना कि वो चैप्टर्स बिल्कुल नए नए चैप्टर्स बुक से मत पढ़ना, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम, आपको टाइम बहुत ज्यादा आपके पास नहीं है तो आप रिविजन करना, आप यहाँ पे वीडियोज देख सकते हो, ठीक है, मतलब चैप्टर्स को रिवाइज करना, वीडियोस देख सकते हो आप नोट्स को रीड कर सकते हो, आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो जो आपको दिखे। और उसके बाद आपको चैप्टर वाइज अगर आपके रिविजन हो जाए तो आपको सैंपल पेपर्स करने चाहिए। तो ये दो चीजें बेस्ट है, आप फटाफट से चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए, अगर आपको किसी चैप्टर में स्पेसिफिकली डाउट है तो आप उसे रिवाइज करो, अगर आपको आता है तो चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सैम्पल पेपर करो, क्योंकि सैम्पल पेपर में आपके पास बहुत सारे वैरायटी के ऑलरेडी मिक्स क्वेश्चन होते हैं, वो वाले जो एग्जाम में आते हैं हर चैप्टर के, तो आपके सारे चैप्टर्स ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इन दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज करना, अगर आप इनको ढंग से मैनेज करोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। सैंपल पेपर्स में भी जब आप सैंपल पेपर करते हो तो उसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो आप एक दो पेपर्स को पूरा सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व अराउंड मे बी 1 to 4 पेपर, मतलब 1 से 4 के बीच में, डिपेंड करता है आपका कितना मन है, अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस करने का बहुत मन है लिखने का तो आप 3 4 पेपर सॉल्व कर लो, अगर आपको नहीं है तो 1 या 2 पेपर से भी काम हो जाएगा। और बाकी पेपर्स को ना रीड करो, रीड अदर पेपर्स, मतलब आपको क्या करना चाहिए, आपको ना क्वेश्चंस को रीड करना चाहिए, ये वाला तो क्वेश्चन मेरे को आता है, जैसे मान लेते हैं आपने एक सैम्पल पेपर उठाया रीड करने के लिए, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल इंटरमीडिएट गुड, आपको लग रहा है ये तो मैं कर लूंगा, ये कर लूंगी, ये तो बहुत आसान है, स्किप दैट। अगला क्वेश्चन उठाया नेशनल गम का, यार ये वाला ट्रिकी लग रहा है मेरे को, में डाउट होता है, उसको सॉल्व कर लो, मतलब आप रीड करो अदर पेपर्स को, ऑडिट करो, और जो आपको चीज मुश्किल लगे आप उसको कर लो, समझदारी से थोड़ा सा आपको काम करना है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, तो आप चैप्टर वाइज रिवाइज कर सकते हो, अगर वो चैप्टर नहीं आता है फिर आपको सैंपल पेपर्स करने चाहिए, यू विल गेट ऑल वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, है ना, आपके पास ऑल वेराइटी के आएंगे, मतलब ऑल चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, और वो आएंगे जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चीपड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, चीपड़े क्वेश्चन का मतलब है कि अजीब और गरीब जो एग्जाम में आते भी नहीं है, कई बार बुक्स में वो गिवन होते हैं तो आप सैंपल पेपर आपको वो नहीं मिलेंगे। अगर यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, बेसिकली आपके दिमाग में ना क्लियर होना चाहिए कि यार मैं प्रिपरेशन कैसे करने वाला हूँ, मतलब मैं क्या करूंगा इन 3 दिनों में, क्या करूंगी 3 दिनों में। अगर आपने प्लान नहीं बनाया ना तो एक प्लान बना लेना कि मैं ऐसे ऐसा करूंगी, और अपना टाइम फ्रेम रखना कि मतलब ऐसा नहीं है कि रिवाइज ही करे जा रहे हैं, अपना टाइम फ्रेम रखना कि यार मैं ना मैक्रो का, नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड वाला आज के दिन खत्म, अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो ऐसे बहुत अच्छे से प्लान करना कि मैं इन चैप्टर को इन 4 घंटे में 6 घंटे में खत्म कर दूंगा, तो इसके ये वाले क्वेश्चंस कर लूंगा, कुछ इस तरह से। अब सवाल ये उठता है हम क्लास में क्या करने वाले हैं, क्लासेस में हम 3 चीजें करने वाले हैं, सबसे पहली चीज ये है आपके जो भी डाउट्स होंगे ना वो डिस्कस करेंगे, मतलब आप कोई सैंपल पेपर कर रहे हो, आप चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, आपको में डाउट्स आ रहे हैं तो ये बेस्ट है ना, आप अपने हिसाब से पढ़िए जो भी आपको पढ़ना है, मीन्स चैप्टर्स पढ़िए जैसे भी आपको ठीक लगे, और फिर जो भी आपको समझ ना आए, डाउट्स हैं कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है तो मुझसे पूछ लीजिए। सेकंड, अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है, फिर आपको कोई टॉपिक ही रहेगा, जैसे मान लेते हैं नेशनल इनकम आपको एक्सपेंडिचर मेथड ही समझ नहीं आ रहा है तो ये मैंने पूरा मेथड भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे बताइए, अगर आपको ऐसा भी नहीं है देन वी विल डिस्कस सैम्पल पेपर्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फिर आपकी रिवीजन होती जाएगी, हम क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे क्लास में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, 5 अटेम्प्ट करना, नहीं कर पाओगे तो फिर आई हेल्प यू। तो हम ये 3 चीजें करने वाले हैं, डाउट्स कोई भी, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है किसी भी चैप्टर का हो और तो आप मुझसे पूछिए। अच्छा एक चीज और, मैक्रो ना थोड़ी सी ज्यादा ट्रिकी है एज कम्पेयर टू आईईडी, अगर आपको मैक्रो अच्छी लगती है इसका मतलब ये है कि आप मैक्रो की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हो,
आप नेशनल इनकम एग्रीगेट डिमांड के क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करें, तभी आपको वो चीज आप कंफर्टेबल हो उसमें। आईईडी में क्या है, मैक्रो को तो देखो सिंपल है, मैक्रो का आपको प्रैक्टिस करनी है, वो हार्ड वर्किंग चीज है ना, मैक्रो को ऐसा शॉर्टकट नहीं है, आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे एग्रीगेट डिमांड के, नेशनल इनकम के। मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दे रखे हैं, आप वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो और उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बता दूंगा आपको, ठीक है। आईईडी में क्या है गाइस, आईईडी में ना मैं कुछ ज्यादा हेल्प कर नहीं सकता हूँ आपकी, हमने जो पढ़ा भी था उसमें भी कुछ ऐसा नहीं होता बहुत ट्रिकी। आप ना आईईडी के नोट्स को बार बार रीड करो, रीड एंड लर्न, और आप इसको अगेन एंड अगेन करो हर दिन, पता है 3-3 दिन बांट लो। मैं हर दिन ना 4-4 घंटे आईईडी को कवर करो, हर दिन 4-4 घंटे, बाकी टाइम मैक्रो को। आईडी में क्या करना है, नोट्स को आप रीड करना है, कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है, यार ये तो ये था, ये वाले इनके पॉइंट्स ये थे, तो रीड अगेन एंड अगेन, रीड एंड लर्न, रीड करो पॉइंट्स को लर्न करने की कोशिश करो अगेन एंड अगेन, आप जितना ज्यादा कर पाओगे ना उतना अच्छा है। अगर आपको नोट्स लर्न होंगे तो आप ऑटोमेटिकली पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे, तो ऐसा मत करना कि आईडी को एक दिन के लिए छोड़ दो, लगातार हर दिन 4-4 घंटे 5-5 घंटे ऐसे करके आईडी को टाइम देना, ठीक है। 4 चैप्टर्स हैं तो ज्यादा लेंदी आईईडी है नहीं, आपको इनको लर्न, नोट्स को रीड करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका ना मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाता है, क्योंकि बहुत ट्रिकी नहीं है आईईडी को समझना, ठीक है। और मैक्रो का तो भाई सिंपल रूल ही है, मैक्रो को तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको पुरानी चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा मैक्रो में कुछ कर नहीं सकते हो। और वीडियोज देखो मैक्रो की, ना मैंने सारी चैप्टर्स की वीडियोज बना के अपलोड कर रखी है, अगर नहीं है तो मुझे बताना, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। बात ना किसी, अभी मुझसे मानवी ने पूछा था कि वीडियो चल नहीं रही है, मानवी मैंने चेक करा, वो ना कुछ इशू हो रहा होगा नेटवर्क, तो मैं को दोबारा ट्राई करूंगा ना रिफ्रेश करके, तो चल जाएगी। ओके सर, ओके, ठीक है। और मैक्रो के ना भाई आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मैक्रो के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, वो भी रिटर्न में मैंडेटरी है। आईडी को आप नोट्स के थ्रू लर्न कर सकते हो, मैक्रो में रिटर्न क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली 2 चैप्टर से, एडी वाला चैप्टर जो है, एडी इक्विलिब्रियम, तीनों चैप्टर को मैं आके बता रहा हूँ, एडी वाला जो यूनिट है, और नेशनल इनकम, ये 2 यूनिट ही तो आ रही है एग्जाम में, और इन दोनों से खूब क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। दोनों से अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी है, तो आप इस बेसिस पे ना एक अपना प्यारा सा अपने दिमाग में क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी जगह बताऊं तो क्या कैसे प्लान बन सकता था। आप अपने पहले अपने स्टडी आवर्स थोड़ा सा कोशिश करो क्लियर करने की, यार मैं दिन में 8-9 घंटे के आसपास एटलीस्ट बुक के सामने रहने की कोशिश करूंगा इस तरह से ना, तो मैं दिन में 8 घंटे पढ़ूंगा, 8 में से मैं मे बी 3 या 4 घंटे में आईडी को देता और बचे हुए टाइम मैक्रो को। फिर आईडी को नोट्स बार बार रीड करना है, आईडी के मैं नोट्स को बार बार रीड करता, मे बी 4 में से 2 घंटे आईडी के नोट्स को रीड करता और 2 घंटे सैंपल पेपर में क्वेश्चंस को रीड करता आईडी के, जो मैं चैप्टर्स के नोट्स को रीड करा है उन्हीं के सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस हैं या फिर सैंपल पेपर बुक में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं उनको रीड करता, समझ आता कि यार हाँ ये वाले क्वेश्चन का मैं आंसर कर सकता हूँ, पॉइंट्स को लर्न करता। तो मैं एक तो ये करता, फिर मैक्रो में 2 चैप्टर्स है मेनली, एक नेशनल इनकम वाली यूनिट है और एक एडी वाली यूनिट है, तो जो यूनिट अगर बाय चांस कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसकी मैं पहले सारी वीडियोस देखता, एक दिन में चैप्टर पूरा हो सकता है मेहनत से करेंगे तो, ठीक है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो फिर मैं इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता, वो भी अगेन सैंपल पेपर बुक से, और मैं 3 में से 2 दिन तो यही करता और 1 दिन में मे बी 2 या 3 सैंपल पेपर पूरे पूरे लिख के सॉल्व कर लेता, सो दैट मेरे को प्रेजेंटेशन समझ आ जाए। और फिर आप पेपर मेरे से भी चेक करवा सकते हो, मेरे को भेज देना कि प्रेजेंटेशन कैसी है, वरना आप अपनी प्रेजेंटेशन को खुद भी थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। तो आई होप आपको इस चीज समझाने की मैंने कोशिश करी है कि आपको कुछ प्लान बनाना चाहिए। नाउ आज हम किसी टॉपिक, कुछ कोई क्वेश्चन है जो आपका डाउट हो, उत्कर्ष तुमने कल कुछ पढ़ा हो उसमें कुछ समझ ना आया हो? हो सर, मैं कल तो पूरा माइक्रो के उसके नेशनल इनकम की किए सर मैंने। अच्छा, जो हम सब प्रैक्टिकल जो होते हैं ना, तो वो तुम सारे क्वेश्चन कर पा रहे थे? यस सर, सारे क्वेश्चन हो गए। बहुत अच्छे। और मानवी तुम्हें कोई डाउट हो, मतलब तुम्हारा कल ही पेपर हुआ वैसे तो, बट स्टिल तुमने कुछ देखा हो, तुम्हारा कोई ट
टॉपिक के कॉन्सेप्ट में आते ही ना हो। सर मुझे इनकम डिटरमिनेशन वाला चैप्टर मेरा छूट गया था, तो उसमें थोड़ा डाउट है, बस बाकी तो आता है। चलो ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे ना, 15-20 मिनट में आपको इनकम डिटरमिनेशन वाला चैप्टर समझा दूंगा। बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है इनकम डिटरमिनेशन, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ मल्टीप्लायर वाले चैप्टर है ना इनकम डिटरमिनेशन मल्टीप्लायर। यस सर वही वाला। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, तो आज हम अराउंड 15-20 मिनट में उसको डिस्कस कर लेंगे, और तुम्हें मैं जल्दी समरी बता दूंगा। हाँ सर। और फिर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो उत्कर्ष, क्या तुम्हें इनकम डिटरमिनेशन का चैप्टर अच्छे से आता है? ऑलमोस्ट आता है सर उसका। ऑलमोस्ट तुम्हें आता है? यस सर। ठीक है, तो जो तुम्हें बहुत थोड़ा बहुत नहीं आता है वो तुम्हारा भी रिवाइज हो जाएगा, और क्योंकि तुम्हें ऑलमोस्ट सब आता है तो मैं तुमसे कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछ लूंगा चैप्टर के, है ना? यस सर। ठीक है, तो देखो इनकम डिटरमिनेशन है ना, सबसे पहली चीज जो आती है, हम इनकम डिटरमिनेशन को रिवाइज कर रहे हैं एंड हमें उसमें लगेंगे 15-20 मिनट। मैं फटाफट रिवाइज कराऊंगा और फिर मान के वो तुम ना वीडियोस भी देख सकती हो अगर तुम्हें लगे ना। हाँ सर। तो हम इसलिए फटाफट, और तुम ना मैं इसे स्पेसिफिकली पूछ लेना, उसको मैं डिटेल समझा दूंगा। जैसे अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा, मतलब कोई भी पार्ट, तो लेट मी नो, उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। नाउ इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर जो चैप्टर का नाम है, इसमें सबसे पहले टॉपिक है ये, बहुत ही पहली चीज तो ये एक छोटा प्यारा चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है। इसमें मेन बड़े जो टॉपिक्स हैं ना, दो टॉपिक्स हैं जो बड़े मेन टॉपिक्स हैं, एक है इक्विलिब्रियम लेवल और दूसरा है मल्टीप्लायर। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, दिस इज इजी। सो इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब है इक्वल, एंड इक्विलिब्रियम अचीव होता है जहां पर हमारे देश की टोटल डिमांड इज इक्वल टू देश की टोटल सप्लाई। जहां पे AD is equal to AS होता है, वहीं पे ही S is equal to I होगा, saving is equal to investment, क्योंकि C से C cancel हो जाता है। जो ये चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इक्विलिब्रियम पर। तो आपको कुछ क्वेश्चन ना पुराने चैप्टर जो पढ़ा था AD वाला चैप्टर और इक्विलिब्रियम की नॉलेज को मिक्स करके आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि एपीसी इतना है, कंजम्पशन की इक्वेशन इतनी है, कुछ ऐसे ना वैल्यूज आएगा, एमपीसी की वैल्यू कुछ ऐसे क्वेश्चन देगा और कहेगा बताओ इक्विलिब्रियम पे इकोनॉमी है तो बताओ क्या क्या होगा, मतलब कुछ ऐसे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होती है तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं, राइट? यस सर। देन इसकी दो अप्रोचेस हैं, वही हो गया ADAS अप्रोच और SI अप्रोच। तो जहां पर AD is equal to AS होता है उसे कह देते हैं ADAS अप्रोच, और जहां पर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है उसे कह देते हैं SI अप्रोच। अब इसका शेड्यूल देखें तो शेड्यूल ये जस्ट एक एग्जांपल है, बट ये मेरे को लगता है सिंपल, अगर आपको एग्जाम के लिए याद रखना हो तो इसी को याद रखना यार, क्योंकि ना इससे क्या होता है ये बहुत ही प्यारा शेड्यूल है, क्योंकि ना इसमें ऑलमोस्ट सब चीजें कवर हो जाती हैं। हमने स्टार्टिंग से ही यही वाला शेड्यूल फॉलो करा है, और अगर आपको एग्जाम में बाय चांस बनाने को आए तो आप क्या करना, आप इसी को बनाने की कोशिश करना, क्योंकि ना इसमें क्या होगा आपको टाइम भी कम लगेगा, आप एक दो बार से खुद बना के देख लोगे तो, और इसमें ब्रेक इवन पॉइंट भी आता है इसी शेड्यूल में, इसी शेड्यूल में ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम भी आता है, हर चीज इसमें आ जाती है, इनकम जीरो है तो क्या होगा, सेविंग जीरो है तो क्या होगा, चीजें काफी कवर हो रही है इसमें। हम इसको करते कैसे थे, इनकम को जीरो से स्टार्ट करके 100-100 से इंक्रीज करते थे, इनकम में हर बार 100 बढ़ा रहे हैं। अगर किसी की इनकम बढ़ती है 100 रुपए से तो कंजम्पशन बढ़ रही थी 80 रुपीज से, जस्ट एग्जांपल है ये। हमने यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन को माना 20, तो हमारी सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ गई 80-80 से, हम बढ़ा रहे हैं तो इनकम को बढ़ा रहे हैं 100 से, कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं 80 से हर बार, क्योंकि जितने से इनकम बढ़ती है उससे कम कंजम्पशन बढ़ती है, जितने से इनकम बढ़ती है उससे कम कंजम्पशन बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट को हमने यहाँ पे रखा है 40, ये है हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, हर बार सेम है। AD ऑटोमेटिकली आ गया, AD इज इक्वल टू C प्लस I करके, सेविंग ऑटोमेटिकली आ गई,
वाई माइनस सी करके एस ऑटोमेटिकली आ गया सी प्लस एस करके। आखिरी वाले तीन कॉलम्स ऑटोमेटिकली आ रहे हैं और आखिरी वाले तीन कॉलम्स में जो एएस है वो हम ऑब्जर्व करेंगे दैट इज इक्वल टू इनकम, इसलिए हम कहते हैं कि एएस हमेशा इनकम के बराबर होता है। तो ये है इसका शेड्यूल, याद क्या रखना है, इनकम को बढ़ाओ 100-100 से, कंजम्पशन को बढ़ाओ 80-80 से और इन्वेस्टमेंट को रखो 40-40, 100-80-40, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 20 है। अगर आप ऐसा करोगे तो जो आपका शेड्यूल बनेगा उसमें फायदा आपको ये मिलेगा कि इस शेड्यूल में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। तो मान भी बताओ यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे अचीव हो रहा है? सर ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे सेविंग जीरो है और इनकम और कंजम्पशन 100 है सेकंड वाला। बिल्कुल दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। और हमारे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे अचीव हो रहा है? सर 300 वाले पे ADAS के बराबर है और इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर। बिल्कुल, तो तुम्हें समझ आ गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्या होता है, और इंपॉर्टेंट चीज, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कि दोनों में फर्क क्या होता है, क्योंकि कई बार ना ये कंफ्यूजन हो जाती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर है? यस सर। मानवी तुम कुछ पूछ रही थी? सर इनका डिफरेंस ये होगा ना कि इनका इनके बीच में डिफरेंस यही है ना कि जितना इनकम है उतना ही कंज्यूम कर लिया है ब्रेक इवन में तो, और सेविंग जीरो हो गया, और उसके अंदर इक्विलिब्रियम है तो बराबर ही हो गया, जितना एक्सपेंडिचर है उतनी इनकम है, ADAS बराबर हो गया। बिल्कुल, जितना देश में एग्रीगेट डिमांड है उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई है, तो ये रहा एडी और एएस बराबर है, 300-300 है, और इनकम और इन्वेस्टमेंट और सेविंग में बराबर है। बिल्कुल, अब आता है इनका ग्राफ। अब ना ग्राफ है, बहुत कंफ्यूजन होती है ये, तो मतलब बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें ग्राफ समझ आ गया, तो मैं आपको एक बार ग्राफ बना के बताता हूँ। उत्कर्ष तुम्हें ग्राफ समझ आता है वाला जो बना हुआ था यहाँ पे? यस सर। बहुत अच्छे, और मान भी तुम्हें? हाँ सर पढ़ा था तब आया तो था। ठीक है, अब देखो जो मैंने ग्राफ बनाया ना, कई बार मतलब कई बार ये कंफ्यूजन होती है कि सर हमें क्या सेम ग्राफ बनाना है? नहीं, आपको सेम ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं। मतलब अब जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया था ना, वो मैंने ऐसा ग्राफ बना रखा है जहां पर ऑटोमेटिकली एक ही ग्राफ में इक्विलिब्रियम भी शो हो रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट भी शो हो रहा है। समझाने के लिए डिपेंड करता है आपके पास एग्जाम में क्या आ रहा है, तो आप इस ग्राफ को अच्छे से समझिए, अगर आपको आता है तो भी आप ध्यान से सुनिए। डिपेंड ये करेगा आपको एग्जाम में पूछ क्या रहा है। आपको ये ग्राफ बनाना कब है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। आपको ये ग्राफ तब बनाना है जब क्वेश्चन आपसे दोनों चीजें पूछे साथ में, जो कि बहुत रेयरली होता है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आपको एग्जाम में ऑलमोस्ट सर्टेन है कि नहीं बनाना पड़ेगा। आपको बनाना क्या पड़ेगा डिपेंड करता है, मैं आपको समझाता हूं क्या बनाना पड़ेगा। आपको इस चैप्टर में हमें ग्राफ बनाना है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेज हैं, एक है ADAS अप्रोच, एक है SI अप्रोच। तो ऊपर बना देते हैं ADAS वाला और नीचे बना देते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला। अगर आपको क्वेश्चन कहेगा एग्जाम में कि आप इक्विलिब्रियम का ग्राफ बनाओ ADAS अप्रोच से, तो आप सिर्फ ऊपर वाला ग्राफ बनाओगे। अगर आपको एग्जाम कहेगा कि आप इक्विलिब्रियम का ग्राफ बनाओ ADAS अप्रोच से, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाला ग्राफ बनाओगे। AS की लाइन ऐसे गई है, AD की लाइन ऐसे गई है, ये हो गया इक्विलिब्रियम। बस इतना ग्राफ है, सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। अगर क्वेश्चन कहता है इक्विलिब्रियम का ग्राफ बनाओ सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से, तो आप क्या करोगे, आप सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से बनाओगे। ये हो गई इन्वेस्टमेंट और ये हो गई सेविंग। थोड़ा सा मैं रफ टाइप का बना रहा हूं, आप पेंसिल स्केल का यूज करना ग्राफ के लिए एग्जाम में, पेंसिल स्केल। अगर क्वेश्चन कहे आप इक्विलिब्रियम का ग्राफ बनाओ ADAS अप्रोच से, ऊपर वाला बनाओ। अगर क्वेश्चन कहता है आप इक्विलिब्रियम का ग्राफ बनाओ सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से, आप नीचे वाला ग्राफ बनाओ। अगर क्वेश्चन कहता है आप सिर्फ इक्विलिब्रियम का ग्राफ बनाओ इक्विलिब्रियम, तो आप दोनों बना दो। या क्वेश्चन कहे कि आप दोनों बनाओ, तो आप दोनों बना दो। अब दोनों बनाने में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दोनों बनाने में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों एक दूसरे के जो ये पॉइंट्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में होंगे। कई बार क्या होता है, ये
ठीक नहीं बनता है तो वो फिर गलत हो जाता है आपका आंसर। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने रेड वाली लाइन बनाई है ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, टेढ़ी नहीं बननी चाहिए। तो आपको समझदारी से बनाना है। कैसे बनाया मैंने, मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। मैंने नीचे वाली लाइन को बनाने से पहले ना रेड वाली लाइन मन में सोची थी, फिर मैंने यहाँ पे डॉट कनेक्ट कर ली ये वाला, और फिर मैंने सेविंग को यहां से ऐसे ड्रॉ करा इस लाइन के थ्रू। तो ये है इक्विलिब्रियम का ग्राफ, ये है इक्विलिब्रियम के दो ग्राफ अलग अलग अप्रोच से। अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सर ऐसे ग्राफ ब्रेक इवन का ही बनता है। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सर ऐसे ही ग्राफ ब्रेक इवन का ही बनता है। तो उसके लिए मैंने क्या करा था, इसी ग्राफ में ब्रेक इवन का ग्राफ भी बना दिया था, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ब्रेक इवन का ग्राफ इक्विलिब्रियम के ग्राफ से डिफरेंट होता है, बस ये पर्पज है। तो हम यहां पर ब्रेक इवन का ग्राफ तब बनाएंगे जब क्वेश्चन कहेगा, यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम अगर बनाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा उसे लिख देते हैं बी, ये हो जाएगा ब्रेक इवन वाला पॉइंट। और अगर क्योंकि सेविंग जहां पे जीरो होती है वो ब्रेक इवन होता है, और अगर आप बिल्कुल इससे ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाओगे, मेरी स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट ही नहीं है, वो सब कुछ है। अगर मैं यहां से ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये स्ट्रेट लाइन है, तो जहां पे ये एएस पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे कंजम्पशन लाइन इंटरसेक्ट कर देगी, क्योंकि सी और आई इक्वल होते हैं एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो आई होप आपको समझ आया कि ग्राफ की सिग्निफिकेंस क्या है ना, एक बार मेरे को बताओ समझ आ गया क्या? ठीक है, तो आपको इस ग्राफ में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला पार्ट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी एक आसान पार्ट है, तो ये एग्जाम में वन मार्कर में आता है यूजुअली। तो ऐसा आ सकता है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे ना, उनके हिसाब से इक्विलिब्रियम अटेन होगा फुल एम्प्लॉयमेंट पर। फुल इक्विलिब्रियम गलत लिखा है, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब देश में जब सारे लोगों के पास रोजगार है, मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं उनको रोजगार मिल रहा है, देश में बेरोजगारी नहीं है, है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट, जो लोग काम ढूंढ रहे हैं वो काम मिल रहा है सबको, तो तभी इक्विलिब्रियम अचीव होगा, ऐसा कहते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, पुराने इकोनॉमिस्ट। बट केन्शियन थ्योरी, केन्स करके एक इकोनॉमिस्ट थे बहुत ही फेमस, उनकी थ्योरी कहते हैं केन्शियन थ्योरी, उनके हिसाब से इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी, अंडर एम्प्लॉयमेंट पर भी, और ओवर एम्प्लॉयमेंट पर भी। मतलब फुल पर तो हो ही सकता है, अंडर पर भी हो सकता है, ओवर पर भी हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने इक्विलिब्रियम के तीन टाइप कर दिए हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इनके ग्राफ्स बहुत सिंपल हैं, तो इनको मैं ब्रीफ में आपको समझाता हूँ। अब देखो आपको ग्राफ देखते ही समझ आ जाएगी। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग लिखा है कि जहां पर जो भी लोग काम करना चाह रहे हैं उनको काम मिल रहा है। सिचुएशन वेयर ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड कैन वर्क आर एबल टू फाइंड वर्क एम्प्लॉयमेंट। इसका ग्राफ कैसा है, आप ए एस बनाइए, जैसे हमने ऊपर बनाया था एडीएस अप्रोच से, आप एडी बनाइए जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अज्यूमिंग कि देश में सारे लोग काम कर रहे हैं। ये है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सिंपल ग्राफ है एडीएस अप्रोच वाला। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या है, जहां पे सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयड है, तो वहां पे क्या होगा ना, एडी कम हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले फुल एम्प्लॉयमेंट वाले ही ग्राफ बनाते हैं, एएस बनाओ, एडी बनाओ, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम निकाल लो, फिर एडी को कर दो कम, क्योंकि लोग कम काम कर रहे हैं तो उनकी डिमांड भी कम होगी। तो जो एडी कम हो जाएगा, तो जहां पे नया इंटरसेक्शन पॉइंट होगा एडी और एएस का, ये हो जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एंड बिल्कुल इसी की तरह ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, पहले आप एडी बनाइए, एएस बनाइए,
इक्विलिब्रियम निकाल लीजिए, ई पॉइंट जो है ये है इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, फिर जैसे ही आप यहाँ पे एडी इंक्रीज कर दोगे आपका आ जाएगा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इनके आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ थोड़े से इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके सर, उत्कर्ष तुम्हें भी क्लियर है? यस सर। नाउ इस चैप्टर का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो टॉपिक है ना इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरे सिलेबस के भी सबसे टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आएगा। मतलब अगर पूरे टर्म टू के अगर आप पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाओगे ना तो टॉप फाइव में वाला टॉपिक आएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और आपको याद हो गई हमने पढ़ा था कितना बढ़िया टॉपिक है वाला, लेंदी भी और उसमें बहुत कुछ है, तो इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, आपको चीजें थोड़ी सी रिवाइज हो जाएंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि देश में ना जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है जो उससे इनकम जनरेट होती है वो मल्टीपल टाइम्स होती है। मतलब अगर हम देश में इन्वेस्ट करेंगे ₹1,000 तो जो उससे टोटल इनकम होगी वो होगी ₹10,000। अगर हम जितना भी इन्वेस्ट करेंगे जो उससे इनकम जनरेट होती है वो कई टाइम्स होती है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों, वो आपको समझ आना चाहिए, इसकी वर्किंग स्टेबल बताइए। मान लेते हैं किसी ने इन्वेस्ट करा ₹1,000, तो जब हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फिक्स एसेट खरीदना, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट मीन्स परचेज ऑफ एसेट्स बाय बिजनेसेस। जैसे मान लेते हैं एक बिजनेस है रिलायंस का, बहुत बड़ी कंपनी, इंडिया की टॉप कंपनीज में से, उसने ₹10,000 crore की मान लेते हैं मशीनरी खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स खरीदे ₹10,000 crore के, बहुत बड़ा नाम। इन्होंने इतना बड़ा खर्चा करा देश में, तो इन्होंने क्या करा, जब कहीं से मशीन खरीदी उसको मतलब ₹1,000 crore को हम सिंप्लिसिटी के 1,000 मानेंगे, करोड़ को इग्नोर करेंगे, तो उन्होंने 1,000 की मशीन खरीदी। तो जब वो कोई मशीन खरीदता है, कोई इन्वेस्ट करता है, तो सीधा सीधा किसी की इनकम बन जाती है, क्योंकि जब आप मशीन खरीदोगे तो आप किसी को पैसे दोगे। तो रिलायंस ने मशीन खरीदी किसी से और उसको इतने सारे पैसे दिए, तो वो जिसको पैसे दिए उसकी इनकम हो गई। सो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट बिकम्स इनकम। अब जिसकी इनकम बनती है वो उसको खर्च करता है और उसका मैक्सिमम पार्ट खर्च कर देते हैं। जैसे हमारी जो इनकम होती है हम उसमें से कुछ सेव करते हैं, बचे वो खर्च कर देते हैं। तो हमने माना कि हर कोई खर्च करता है 90%, एमपीसी है 90%, 0.9। तो जितनी भी इनकम हुई है, जो कि 1,000 की इनकम हुई दूसरे की, उसमें से उसने 1,000 का 90% ₹900 कर दिया खर्च, ₹100 कर लिया सेव। जो ₹900 उसने खर्च करा वो किसी और की इनकम बन गई। सोच के देखो, अगर हम कुछ खर्च करते हैं, मतलब उसने खर्च करा किसी और को पैसा मिला, अब जिसको पैसा मिला वो वापस खर्च करेगा तो किसी और को पैसा मिल जाएगा। तो जब उसने खर्च करा ₹900 तो जिसको पैसा मिला वो उसकी इनकम बन गई। किसी एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है, किसी एक की कंजम्पशन दूसरे की इनकम होती है। अगर हम कुछ सामान खरीदते हैं मार्केट से तो हमारे लिए वो खर्चा, बट किसी के लिए कमाई है। तो जब कोई कंज्यूम कर रहा है वो दूसरे के लिए इनकम है। तो जिसके लिए इनकम है उसने भी मानते हैं 90% कंज्यूम कर लिया, खर्च कर दिया, 10% सेव कर दिया। फिर जब उसने खर्च करा तो वही सेम इनकम किसी और के लिए बन गई, और ऐसे चलता जाता है। मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट होती है वो किसी की इनकम बनती है, और फिर जो किसी की इनकम बनती है वो खर्च करता है, जब वो खर्च करता है तो किसी और की इनकम बनती है, चलता रहता है। तो एक इन्वेस्टमेंट से मल्टीपल टाइम्स इनकम बन रही है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट टोटल हुई है 1,000,
इससे टोटल इनकम बनेगी वो बनेगी 10 गुना। 10 गुना कैसे आया? इसका फॉर्मूला है 1/MPS। हमारे केस में एमपीसी है 0.9, मतलब एमपीएस हो गया 0.1, तो 1/MPS हो गया 1/0.1 विच इज इक्वल टू 10 टाइम्स। मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट होगी उसका 10 गुना इनकम होगी। तो 1/MPS से आता है के, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कितने गुना इनकम जनरेट होगी इन्वेस्टमेंट से। तो अगर कभी आपको ये निकालना हो कि हमने इन्वेस्टमेंट इतनी करी है तो उससे कितनी इनकम निकलेगी, तो आपको निकालना है के, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1/MPS। हमारे केस में के आ रहा है 10 1/MPS करके। तो 1000 की इनकम से 10000, 1000 की इन्वेस्टमेंट से 10000 की इनकम जनरेट होगी, और जिसका 90% हो जाएगा टोटल कंज्यूम और 10% हो जाएगा टोटल सेव, क्योंकि एमपीसी का 90% और एमपीएस का 10%। तो अगर आपको पहले आपको थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा तो आपको याद आ गया होगा ये क्या बता रहा हूँ मैं, है ना या नहीं? यस सर। उत्कर्ष? यस सर। ठीक है, तो ये पहली बार पढ़ने में ना बड़ा दिमाग खराब होता है, मतलब तो कोई पहली बार पढ़ रहा होगा तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, बट अगर आप एक दो बार पढ़ लो तो फिर आपको समझ आ जाता है कि यार हाउ थिंग्स आर वर्किंग, क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, ये था मेन कॉन्सेप्ट। अब इसी के बारे में ऊपर बताया गया है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग बताया है, इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये रेशियो है, फ्रैक्शन है इनकम में कितना चेंज हो रहा है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर इनकम बढ़ रही है 1000 से और इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है 1000 से और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनकम बढ़ रही है 10000 से, मतलब 10 गुना इंपैक्ट आ रहा है, 10 गुना इफेक्ट आ रहा है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया 10। और ये हमारा पहला फॉर्मूला भी है, इनकम में चेंज डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट में चेंज। In other words, it shows how many times the income increases due to increase in investment. Income कितनी बढ़ रही है investment के बढ़ने से। और यहाँ पे example ही बताया नीचे। If additional investment of 100 is introduced in the economy and it results in additional income of 600, हमने 100 invest करा और उससे income बढ़ रही है 600, तो investment multiplier हो गया 6 times, क्योंकि 6 गुना हो रही है ना। ये है इसका केस। सर क्वेश्चन में ऐसे मेंशन होगा कि कितना टाइम्स बढ़ा है, जैसे इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट दे रखा है और एडिशनल इनकम, या हमारे को फाइंड आउट भी करना होगा कितना मतलब चेंज हुआ है पहले इनकम से इन्वेस्टमेंट में। मान लो इसमें ना दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, और जो तुमने कहा दोनों ही चीजें ठीक बोली है, तुमने दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैसे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वाला, जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि हमने इन्वेस्ट करा 100 रुपए, है ना, ऐसा मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आएगा इसका। दो तरह क्वेश्चन आते हैं, दोनों वैरायटी का मैं समझाता हूँ। तो वैरायटी नंबर जो वन बनती है, जैसे क्वेश्चन कहेगा उसमें हमने वाई इनकम बढ़ गई हमारी 10000 से, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई थी 1000 से, तो बताओ एमपीएस कितना है ना। यस सर। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने के निकाल लेंगे, के इज इक्वल टू 10000/1000 फॉर्मूला लगा के। यस सर। के आ गया 10, फिर के का दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देंगे 1/MPS इज इक्वल टू 10 और एमपीएस आ जाएगा 0.1 को, जिस तरह से समझ आ रहा है। यस सर। तो कई बार क्या होगा, ये वाला इंफॉर्मेशन देगा क्वेश्चन कि इनकम इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज है, और आपको के निकालना पड़ेगा और उससे बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये समझाना चाहिए। तो जब भी देखो आपको ना एग्जाम में ये गिवन हो कि इन्वेस्टमेंट इतनी है, इनकम इतनी है, ऐसे कुछ गिवन हो, तो सबसे पहले ऑटोमेटिकली के निकाल लेना, फिर के से आपका एमपीसी एमपीएस निकल आएगा, फिर उसका यूज आगे क्वेश्चन में होगा, ऐसा होता है कई बार। तो ओके सर। और कई बार कैसा होगा ना, कई बार इसका अपोजिट होगा कि क्वेश्चन आपको कहेगा कि फॉर एग्जाम्पल केस नंबर 2 में क्वेश्चन आपको कहेगा कि हमारा एमपीएस इतना है, मान लेते हैं 0.1, सेम ही चीज में ले रहा हूँ, वैल्यूज अमाउंट डिफरेंट ले रहा हूँ,
और चेंज इन इनकम है 10,000, तो बताओ चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितने की। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा आंसर में, आपको पहले एमपीएस से के निकालना पड़ेगा, के इज इक्वल टू 1/MPS करके 1/0.1, तो आपका के आ जाएगा सॉर्ट ऑफ 10 आएगा आपका के। फिर आप दूसरा फॉर्म लगाओगे और से आपका चेंज इन आई आ जाएगा 1,000। समझ आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? नहीं आ रहा? यस सर, आता है फॉर्मूला लगा के वैल्यू प्लेस करते हाँ, तो ऐसे में आपको दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं, और यही दो तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक सर। है, मैं ऐसा पूछ रही थी, जैसे पहले इनकम बता दी 100 है और फिर इनकम हुई है सपोज 200, तो वो 100 का जो डिफरेंस है वो हम लिखेंगे ना चेंज इन हाँ इनकम। बिल्कुल हाँ तो बिल्कुल। भाई सर वैसा क्वेश्चन भी आएगा ना, लाइक आएंगे क्या कि लाइक एक इनकम पहले इतनी थी और अब इतनी हो गई और उस इन्वेस्टमेंट इतना था इतना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आ सकता है कि पहले इनकम थी 500, अब हो गई 1,500, तो कितनी चेंज हो गई? 1,000 चेंज हो गई। बिल्कुल ऐसा भी यस आता है। ओके सर। तो इसमें आपको चेंज इन इनकम गिवन है, वही है ना, आपको चेंज इन इनकम गिवन है, आपको मतलब वही हो गया कि आप न्यू इनकम में से ओल्ड इनकम को माइनस कर दोगे। हाँ सर, वो चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट मेंशन करके निकलेगा ना आंसर। हाँ ओके सर। ठीक है, और फिर ये होगा इसके दो और फॉर्मूले, 1/1-MPC और 1/MPS। ये दोनों फॉर्मूला आपको समझ आ गए हैं, क्योंकि एमपीएस को ही 1-MPC कहते हैं। सर सपोज एमपीसी मेंशन है, एमपीएस मेंशन है, तो 1-MPS करेंगे तो 1-MPC आएगा। हाँ, जैसे अगर एमपीसी आपको 0.1 गिवन है, एमपीएस यस सर। 0.1 गिवन है, तो यस सर। आपका एमपीसी 0.9 हो जाएगा ना। अच्छा दोनों का एडिशन 1 है तो उस अकॉर्डिंग। हाँ, दोनों को सम 1 होता है ना, ये तो एडी वाले चैप्टर में था ना ऐसा। हाँ सर ओके। चलो, अब इसमें अगला पार्ट जो आपको समझ आना चाहिए वो ये वाला पार्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे को लगता है कि यहाँ पे ये टाइपिंग एरर हो रखा है, ये 1 है। मैंने जो आपको शायद नोट्स दिए ना उसमें टाइपिंग एरर नहीं है, उसमें ठीक कर दिया था मैंने, यहाँ पे है। तो इसकी जो वैल्यू है ना, 1 से इनफिनिटी के बीच में होती है, के की वैल्यू। इसका प्रूफ है कि 1 से इनफिनिटी के बीच में क्यों होती है। इसका सिंपल प्रूफ ये है, उत्कर्ष तुम अटेम्प्ट करोगे, मतलब एक बार इस टेबल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे एक बार। ये 1 से इन्फिनिटी की होती है हाँ सर। 1 1 इसलिए होती है कि 1 से नीचे के वैल्यू नहीं हो सकती, बिकॉज क्यों नहीं हो सकती? सर एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है सर। तो मतलब के की वैल्यू क्यों नहीं हो सकती 1 से कम? एमपीसी प्लस एमपीएस तो 1 होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस के थोड़ा होता है, मतलब ऐसा होना है कि वो के बराबर है तो 1 से कम नहीं होगा। अच्छा देखो इसको ना मैसेज हो सकते हैं उत्कर्ष की ना, हमारी एमपीएस की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। हमारी एमपीएस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, ये हमने पिछले चैप्टर में करा था, और इसका लॉजिक भी हमने डिस्कस करा था, इवन हम बाद में भी फिर से डिस्कस कर लेंगे, तो तुम्हें याद नहीं आएगा तो। बट कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग इसकी ये होती है कि एमपीएस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। हमने सारी वैल्यू ले ली, 0, 0.2, 0.4, मतलब 5.2 के गैप में हमने हर चीज कवर कर ली से, और फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया 1/MPS का। ठीक है, यस तो अब ये वाली वैल्यूज हमारे आ जाती हैं। अगर के की वैल्यू अगर हमें 1 से कम चाहिए वो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप मान लो के 0.5 है, तो 0.5 मान लो बस, तो ये हो जाएगा 1/MPS, और इससे एमपीएस आ रहे 2, बट एमपीएस को भी 2 हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, यस सर। तो याद रखना के की वैल्यू 1 to infinity। यस सर। यस सर। अब फिर अगला पार्ट यही है कि जैसे जैसे एमपीसी बढ़ता है के भी बढ़ता है। हमने यहाँ पे एमपीएस से एमपीसी निकाल लिया था क्योंकि दोनों का सम 1 होता है, तो जैसे एमपीएस बढ़ रहा है
वैसे वैसे के भी पढ़ रहे हो तो डायरेक्टली रिलेटेड है, और मल्टीप्लायर इनवर्सली रिलेटेड है एमपी एस के साथ, मतलब एमपी एस बढ़ रहा है कम हो रहा है तो के बढ़ रहा है। और एंड में बिल्कुल सा ग्राफ है, ग्राफ भी है, सिंपल है, समझते हैं इसको एक बार। उत्कर्ष तुम बताओ, ग्राफ्स को फिर से बनाते हैं, ठीक है? यस सर। तो हमें के में चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट और इनकम, क्योंकि के का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कितना बढ़ रहा है। तो बताओ इनकम का ग्राफ कैसे बनता है सर? एएस का ऊपर तक हो जाता है, बिल्कुल 45 डिग्री ऊपर चला जाता है ना? यस सर। और इन्वेस्टमेंट का ग्राफ? और सर इनकम का था, और सर अगर इनकम इनकम का बढ़ना था तो इन्वेस्टमेंट ग्राफ कैसे बनता था? इन्वेस्टमेंट का लाइन मारती थी सर, पैरेलल लाइन थी एक्स की शायद। इन्वेस्टमेंट ग्राफ कैसे था? पैरेलल लाइन बोला तुमने? हाँ सर, क्योंकि आई इन्वेस्टमेंट पैरेलल होती है ना एक्स से। बिल्कुल ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ना हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट या तो हमारी ऐसे पैरेलल होगी, और इवन अगर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी है ना तो थोड़ी थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो अब ये इन्वेस्टमेंट हमने पैरेलल बनाया, मान लेते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है। हम ना यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं बनाते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं एडी इस तरीके से, और फिर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए हम एडी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से एडी भी बढ़ जाएगा। यस सर, तो एडी ऊपर आएगा फिर। हाँ, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं ना तो एडी बढ़ जाता है। तो ये एडी में जो डिफरेंस आया ना, ये इन्वेस्टमेंट जैसे आया है, तो ये आई है, ये है आई में जो इंक्रीज हो गया, इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज हो गया, मतलब हमने एडी बनाया, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो एडी को बढ़ा दिया। फिर हम ये पॉइंट्स बनाते हैं, पहले ये हमें यहाँ पे ये देखना, देखिए इन्वेस्टमेंट बढ़ी है इतने से, जो ये वाला गैप है, और हमारी इनकम बढ़ी है इतने से। तो अगर मैं इस गैप को नाम दे दूं, मान लेते हैं एक्स, या फिर एक्स नहीं, मैं भी कुछ और इसको दे देते हैं चेंज इन आई, चेंज इन आई लिख देते हैं, दिस इज चेंज इन आई, और ये हो गया चेंज इन वाई, क्योंकि इधर इनकम आती है ना। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे इमेज के थ्रू भी, यहाँ पे ग्राफ के थ्रू, कि जो y है वो ज्यादा आ रहा है i से, है ना? कैसा लग रहा है ना, इनकम ज्यादा आ रही है। यस सर, ये वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो यही शो कर रहा है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उससे ज्यादा थोड़ा सा इनकम पे फर्क पड़ता है। अभी ऑफकोर्स 10 times हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो चीज शेड्यूल में ग्राफ में होते हैं ढंग से नहीं दिख पा रही है यहाँ पे, 10 times वाली फील तो बिल्कुल नहीं आ रही है, बट ये पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम ज्यादा बढ़ रही है। समझ आया मानवी तुम्हें? यस सर, यस सर, मुझे भी समझ आया। ठीक है, बहुत बढ़िया उत्कर्ष। गाइज, अब ना हम सैंपल एफर्ट्स ही मेनली डिस्कस करेंगे। तो अब हम आज हम इतना ही करते हैं, बट मेरे पास ये सैंपल पेपर का एक, मेरे को किसी ने पीडीएफ भेजी है, इसमें 20 सैंपल पेपर है शायद, इतने आपको शो करता हूँ, वैसे उसे 50 पेजेस की पीडीएफ है, ये नहीं 20 नहीं है, इसमें 11 सैंपल पेपर है, 10 नए सैंपल पेपर है इसमें, ठीक है, जिसमें 3 सॉल्व है। तो आप इनको रीड कर सकते हो सैंपल पेपर्स के लिए, और मैं आपको व्हाट्सएप भेज दूंगा, और बच्चे वो अनसॉल्व है। हम क्लास में ना अगर आपको डाउट्स नहीं आएंगे तो हम मेनली सैम्पल पेपर ही सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, और प्रेफरेबल यही रहेगा यार, आपको खुद रीड करो फटाफट से, मेरे से डाउट पूछो कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, इसका समझ नहीं आ रहा है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर, तो अपनी बढ़िया तरह से प्रैक्टिस करना, स्पेशली मैक्रो को टाइम देना रिविजन में, क्योंकि मैक्रो में आपको लर्न करना पड़ेगा, तो मैक्रो को रिवाइज करो अच्छे से, लर्न करो, सॉरी आईडी को अच्छे से लर्न करो, और मैक्रो को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। चलिए गाइस, तो आज हम इतना ही करते हैं,
फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में, कुछ भी चीज हो मुझे बताना, हम कल डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, बाय बाय सर, थैंक यू सर, वेलकम।